पेंशन जो है वो बर्बादी का कारण है। जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको अपनी तनख्वाह से 10% कटौती करानी पड़ती है। स्कीम में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि बिना कोई वेतन में बढ़ोतरी के हमारी तनख्वाह से 10% काट करके पेंशन के नाम पर दो तरीके की पेंशन व्यवस्था इस देश में चालू हो गई है 1 जनवरी 2004 के बाद। एक तो वो लोग हैं जो कि 1 जनवरी 2004 के पहले के लोग हैं, उनको सरकारी खजाने से पेंशन मिलती है, बिना किसी पैसे को जमा कराए हुए पेंशन मिलती है। एक गारंटीड पेंशन है, डिफाइंड पेंशन है, जिसमें कि उनको पेंशन भी मिलती है और साल में दो बार उनको डीएनएस रिलीफ भी मिलता है। जैसे भारत में रेलवे सबसे ज़्यादा नौकरी देता है। इस देश के लाखों परिवार जो हैं वो रेलवे पर आश्रित हैं, जो सफ़र करते हैं, जो इसके ज़रिए अपने ज़िंदगी को सवारते हैं, जिनका रोजी रोटी चलता है। और उसमें सबसे अहम योगदान है उन रेलवे कर्मचारियों का जो दिन रात मेहनत करते हैं। कहते हैं कि रेलवे की नौकरी से बेहतर कोई नौकरी नहीं, और रेलवे में सबसे ज़्यादा आपको काम भी करना पड़ता है, चूँकि हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ता है। शिव गोपाल मिश्रा जी हैं और इन्होंने ताउम्र रेलवे की रेलवे को दिया है नौकरी की है, और रिटायरमेंट के बाद भी यूनियन चला रहे हैं। इन लोग की मीटिंग है कि जो न्यू पेंशन पॉलिसी है उसको ये लोग नहीं मान रहे हैं। इनका मांग है कि ओल्ड पेंशन पॉलिसी है वही रहे। जानेंगे समझेंगे पेंशन पॉलिसी में क्या चेंज हुआ है, ये लोग क्या चाहते हैं, और सरकार का जो वर्जन है वो मेरे पास है। पहले रेलवे के कर्मचारियों के जो नेता हैं शिव गोपाल मिश्रा, उनका वर्जन जानते हैं। क्या दिक्कत है आप लोगों को न्यू पेंशन स्कीम से? नई पेंशन स्कीम में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि बिना कोई वेतन में बढ़ोतरी के हमारी तनख्वाह से 10% काट करके पेंशन के नाम पर जो है वो लिया जा रहा है। दो तरीके की पेंशन व्यवस्था इस देश में चालू हो गई है 1 जनवरी 2004 के बाद। एक तो वो लोग हैं जो कि 1 जनवरी 2004 के पहले के लोग हैं, उनको सरकारी खजाने से पेंशन मिलती है, बिना किसी पैसे को जमा कराए हुए पेंशन मिलती है। एक गारंटीड पेंशन है, डिफाइंड पेंशन है, जिसमें कि उनको पेंशन भी मिलती है और साल में दो बार उनको डीएनएस रिलीफ भी मिलता है। जैसे सर्विंग वालों को डीए मिलता है तो उनको डीएनएस रिलीफ मिलती है। और ये जो हमारे दूसरे बच्चे बच्चियां हैं जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको अपनी तनख्वाह से 10% कटौती करानी पड़ती है, और उस कटौती के बाद ना उसके ऊपर डीआर है ना कुछ है। अभी तक सरकार ये कहती थी कि अगर ये बड़ी विन विन सिचुएशन होगी, लोगों को करोड़ों रुपए मिलेगा, तो लोग बहुत भ्रमित थे। अभी लोग रिटायर होने लगे हैं, और अभी हमने देखा है कि जिनकी 17 साल की नौकरी हो गई और जिनको जो 60,000 रुपये तनख्वाह के ऊपर रिटायर हुए करीब, उनको जो है वो मुश्किल से 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है। 60,000 जो कमा रहे थे उनको 3,000 मिलने लगा, 3,000 पेंशन मिल रही है नई पेंशन स्कीम में, जबकि उनको 30। अच्छा, नई पेंशन स्कीम में लोग रिटायर होने भी लगे हैं, वीआरएस होने लगे हैं जो सीजी अपॉइंटमेंट पे थे या जो ज्यादा 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति जिनकी नियुक्ति है तो अब रिटायर होने लगे हैं। अच्छा सर, ये गोल्डन स्कीम आया कब था, ये जो न्यू स्कीम जो है? ये 22 दिसंबर 2003 को एक ऑर्डर इशू कर दिया था, उस समय जसवंत सिंह वित्त मंत्री थे। अच्छा, और कहा कि अब पुरानी पेंशन नहीं चलेगी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री। हाँ, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय इन्होंने एक आदेश जारी कर दिया, एक ऑर्डर निकाल करके कह दिया कि अब पुरानी पेंशन नहीं चलेगी, नई पेंशन स्कीम। अच्छा सर, अगर आपसे समझे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसकी तनख्वाह 60,000 पर रिटायरमेंट हुई होगी, उनको लगभग कितना पेंशन बन जाएगा? ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको 30,000 रुपये पेंशन मिलती और साल में दो बार उनको डीएनएस रिलीफ मिलता। तो ये सारे कर्मचारियों के लिए है, या कुछ इसमें हिंदू मुस्लिम भी किया गया कि हिंदुओं को ऐसा स्कीम में नहीं होगा, मुसलमानों के साथ होगा, या सबके लिए? नहीं, ये केंद्र सरकार में सिर्फ जो है वो ये सुविधा जो वर्दी वाले जो डिफेंस के लोग हैं उनके ऊपर सिर्फ पुराने। मैं रेलवे में पूछ रहा हूँ, रेलवे में सबके ऊपर एक ही सबके ऊपर लागू है, सबके ऊपर लागू है जो न्यू पेंशन स्कीम है। जी हाँ, सबके ऊपर लागू है। कितने आप लोग अब कर्मचारी बच गए हैं रेलवे में? रेलवे में अभी करीब 13 लाख कर्मचारी हैं, और 13 लाख में 7 लाख के ऊपर नई पेंशन स्कीम लागू है और 6 लाख के ऊपर पुरानी पेंशन स्कीम लागू। पहले कितना इसमें मतलब कैपेसिटी कितनी है रेलवे कर्मचारियों की, और कितना पद खाली है? अभी करीब
148,000 ये नए लोग जो आ रहे हैं वो आ जाएंगे, तब भी जो है वो तकरीबन 2 लाख पद जो है वो खाली रहेंगे। अभी रेलवे में लगभग 2 लाख पद इस समय, हाँ 2 लाख पद खाली हैं, तो करीब 12,26,000 लोग अभी हैं, 15 लाख होने चाहिए करीब। और अब मैं पेंशन स्कीम पर आऊँगा जो आपके, जिसको लेकर आप बैठक भी करने वाले हैं, और मूलभूत क्या चेंजेज आए हैं रेलवे में जिससे आपको बढ़िया लग रहा हो, कुछ बढ़िया भी तो हुई होगी। देखिए जहाँ तक रेलों के विकास का मामला है, ये सही है कि रेल कर्मचारियों ने अपना खून पसीना बहा करके रेलों को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। जो गाड़ियाँ ये लोग 300-400 करोड़ रुपए की खरीदना चाहते थे तेलुगु से, वो गाड़ियाँ हम लोग 98 करोड़ रुपए में बना करके दे दे रहे हैं। वंदे भारत वाला इंजन, अच्छा वो मेड इन भारत है। हाँ, इंजन जो है वो 29 करोड़ रुपए में खरीद के लाए थे, वो हम लोग 3 फेज इंजन सिंगल फेज लाए थे, उनको हम लोग एबीबी इंजन को अब अपने चेतरंजन में और बनारस में जो है वो 9 करोड़ रुपए में बना करके दे दे रहे हैं। तो गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ी है। निजीकरण कितना हुआ है रेलवे में? यहाँ तक निजीकरण का सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि जो आउटसोर्सिंग है वो रेलवे के अंदर बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी तक एज सच जो ये चाहते थे कि हम 150 गाड़ियाँ प्रतिदिन चलाएंगे जो है वो भारतीय पटरियों पर, वो काम ये नहीं कर पाए। ये चाहते थे कि हम जो उत्पादन इकाइयाँ हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, उनको जो है वो दे दें जो है वो प्राइवेट। मिश्रा जी आपको तो लंबा अनुभव रहा है, मैं एक समझना चाह रहा हूँ मैं भी, ये जो रेलवे को, रेलवे का चाहे पार्किंग हो चाहे रेलवे स्टेशंस हो, इन सब को जिस तरह से टेंडर पर दिया जा रहा है, तो क्या ये सचमुच सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा या प्राइवेट प्लेयर को ज़्यादा फायदा होगा, आपको क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाएगा तो प्राइवेट प्लेयर्स को फ़ायदा होगा और जो देंगे उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी टेंडर उठाने में, ठेके करने में, किसी न किसी तरीके से जो लोग ठेका करते हैं या जो लोग उनकी नीतियां बनाते हैं, उनको कुछ न कुछ फ़ायदा तो होता ही है। सरकार को भी फ़ायदा होगा, जो टेंडर प्लेयर है उनको फ़ायदा होगा, बोझ किस पर पड़ेगा? ये बोझ जनता के ऊपर पड़ेगा, कर्मचारियों के ऊपर पड़ेगा, और माल कमाने का काम जो है वो कुछ नेता कमाएंगे और कुछ बिचौलिए कमाएंगे। अच्छा ये जो हम आपके मुद्दे पर आते हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम है सर, उसमें मैक्सिमम पेंशन कितना होगा? मान लिए कोई DRM रिटायर करता है, उसकी कितनी पेंशन हो जाएगी? अगर नई पेंशन नीति से रिटायर होगा, DRM, मैं कह रहा हूँ, मैंने सुना बड़ा अधिकारी, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करता हूँ, रेलवे के कैबिनेट सेक्रेटरी, तो IAS नहीं, देश के कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करता हूँ, जो इस देश का सबसे बड़ा हुक्मरान होता है, जो 17,000 के ग्रेड पे में आता है, अगर वो नई पेंशन स्कीम में रिटायर हो तो उसको 48,000 रुपये मिलेंगे, और अभी जो है पुरानी पेंशन के हिसाब से जब रिटायरमेंट लेता है तो उसको 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। तो कैबिनेट सेक्रेटरी को छोड़ दीजिए ना, वो लोग तो IAS लोग होते हैं, बहुत माल भी कूट के रखते हैं, रेलवे वालों का क्या होगा? DRM भी उन्हीं के ही अनुरूप है। हाँ। सिर्फ लेवल में फ़र्क है। अगर DRM रिटायर होगा तो उनको भी, अगर नई पेंशन स्कीम में वो लोग रिटायर हों तो उनको भी 40,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये कितने DRM होंगे आपके पूरे भारत में? 68 हैं, 68 डिवीजन है, 68। तो चलिए 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने गिफ्ट दिया है न्यू पेंशन स्कीम का, और 60,000 जो लोग तनख्वाह ले रहे थे, 7 लाख लोगों को नई पेंशन स्कीम लागू की गई है। तो बाद में रिटायर जो लोग आएंगे, तो मतलब अभी 12 लाख कैपेसिटी है ना कर्मचारी? हाँ 12 लाख है। तो अब जो लोग भी आएंगे तो आएंगे सब ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम में ही आएंगे? अब जो आएंगे उनको रेलवे को सरकार ने तो बड़ा गिफ्ट दिया है ना कर्मचारियों को ये। ठीक है, मैं मान लिया आपको, ये गिफ्ट नहीं है, देश के लिए इतना योगदान नहीं करेंगे आप लोग। एक पत्रकार है अखिलेश शर्मा NDTV में, वो कह रहा है कि ये जो पेंशन का जो मामला है ना पूरा, ये सारा देश की बर्बादी का यही असली कारण है। मैं तो नाम कोट कर रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट किया है कि पेंशन जो है वो बर्बादी का कारण है और ये सारा सरकारी खजाना जो है पेंशन में खाली होता है। नहीं, वो बात तो अगर अखिलेश जी कर रहे हैं तो उनको देश के प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, MP से, MLA से, यहाँ तक कि पार्षदों को भी पेंशन अलाट हो गई है, उनके पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि तुम 3 दिन के लिए बनते हो और हम 40 साल अपने पूरे जाड़ा गर्मी बरसात सब भुला करके काम करते हैं, हर साल 400-500 लोग भारतीय रेलवे के शहीद हो जाते हैं, 3,000 लोगों ने हमारे शहादत दे दी कोविड के पीरियड में, तो हम लोग 3,000 कर्मचारी रेलवे के शहीद, 3,000 लोगों को शहीद हुए जिस समय कोविड में हम लोगों ने गाड़ियां चलाई, गाड़ियां चलाने में, मेंटेनेंस करने में। अच्छा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पता नहीं फिर मौका मिले कि नहीं,
एवरेज सालाना कितने लोग रेलवे कर्मचारी रेलवे दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं? 400 से लेकर 500 साथी जो हैं हमारे हर साल शहादत देते हैं इन पटरियों की मरम्मत करते अच्छा, हुए। हम लोग का बड़ा ड्रीम था कि गैंगमैन की नौकरी करनी है। गैंगमैन मैं आज हूँ तो मुझे कितना पेंशन मिलेगा अगर मैं गैंगमैन जीएम की नौकरी कर रहा हूँ? हम लोग उसको जीएम बोलते थे। अगर अगर जो जीएम हमारा या गैंगमैन साथी ट्रैकमैन साथी आज की तारीख में रिटायर हो रहा है तो उसको 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। ये जो न्यू पेंशन स्कीम है? हाँ, नई पेंशन स्कीम में। और अगर पुराने हिसाब से रिटायर हो तो उसको 15,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ठीक है, देश के लिए इतना तो सहा जा सकता है। देश के लिए सहने के लिए सिर्फ रेल और रेल कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी है। ये जो राजनेता हैं सफ़ेद कपड़ों में घूमते रहते हैं वो सिर्फ देश को लूटने के लिए हैं। उनके लिए कोई भी देश नहीं है, उनके लिए कोई भी वो नहीं है। क्या कर लेंगे आप लोग? आप लोग क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? कर्मचारी है उसी के लिए जो है वो देश है, बाकी के लिए सबके लिए लागू हुआ है ना ये तो। कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए भी लागू? हमारे पास में लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं क्या, है। क्या रणनीति? हमने रणनीति बनाई हुई है। हमने तमाम राज्य सरकार के कर्मचारियों को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, शिक्षकों को, ऑटोनोमस कर्मचारियों को, निगम के कर्मचारियों को, सबको लाकर के एक मंच पे इकट्ठा किया है। और हम एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं कि हम सारे देश में एक जन जागरण चलाएंगे और सितंबर तक अगर सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो इस देश के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, इसमें रेलवे भी शामिल होगी। ये तो आप लोग देशद्रोह वाला, आजकल तो हड़ताल को देशद्रोही घोषित कर दिया गया है। ये फैसला जो है वो कोई व्यक्ति नहीं करेगा, वो देश की जनता करेगी। क्योंकि हम उनके बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे कि इन एमपीओ पे कितना पैसा खर्च होता है, एमएलए पे कितना पैसा खर्चा होता है, ये मंत्री देश को किस तरीके से लूट रहे हैं, ये हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, ये दही पे टैक्स लगा रहे हैं, आटे पे टैक्स लगा रहे हैं, अन्न पे टैक्स लगा रहे हैं, आपके नमक पे टैक्स लगा रहे हैं, आपको लूटने का काम हो रहा है। और जितना बड़ा आदमी है इस देश का उसको टैक्स से छूट मिल रही है। हम इनको खोल करके रख देंगे, पूरे देश के अंदर माहौल बना देंगे इनके खिलाफ। बंद कराइए जरा। अरे सर, तो देश के मोदी जी जब हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हर काम वो देश के लिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वही हैं, उनके बहुत करीबी दोस्त रेल मिनिस्टर हैं आपके, पहले वो बड़ा ब्यूरो आईएएस थे, तो देश के लिए इतना तकलीफ तो सहा जा सकता है? देखिए, जहाँ तक रेल मंत्री जी का सवाल है या प्रधानमंत्री जी का सवाल है, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, हम उनके कोई विरोधी नहीं हैं, हमारा कोई भाजपा से झगड़ा नहीं है, हम लोग कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सीधी बात यह है कि हम कर्मचारी हैं और कर्मचारी के हक के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो हम उसके लिए लड़ाई जरूर। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? आप लोग थोड़ा थोड़ा तो त्याग करेंगे ना देश के लिए। आज जो भी इकोनॉमी बनी है वो किसी प्रधानमंत्री की वजह से नहीं बनी है। वो 5 ट्रिलियन हो या 4 ट्रिलियन हो, वो इकोनॉमी को कर्मचारी ने ही बनाया है, हमने उत्पादकता की है जिसके आधार पर इकोनॉमी बनी है। तो आप ये पूरे सारे सेंट्रल वाले कर्मचारियों से आप लोग बैठक कर रहे हैं या स्टेट लेवल के भी? नहीं नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारी भी उसमें शामिल हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी शामिल हैं, शिक्षक भी शामिल हैं देश भर के, और जो भी आंदोलन होगा समूचे राष्ट्र में होगा। देश भर में कितने कर्मचारी होंगे, सवाल तो नहीं पूछना चाहिए? 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच 3 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो पेंशन के जद में आते हैं। हम उनको सबको एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं और हमें आशा है कि जब हम लड़ाई के लिए आगे निकलेंगे तो खाली यही लोग नहीं जुटेंगे, इनका परिवार भी जुटेगा और तमाम भी जो साथी संगाती हैं उनको भी हम लोग साथ में मिलाने का काम करेंगे। देश में एक अद्भुत आंदोलन होगा इस सवाल को लेकर। मतलब 10-15 करोड़ संख्या मान ले आपके परिवार व्यवहार सब मिला के? हाँ बिल्कुल, पक्के तौर पर 15 करोड़ से तो कम नहीं होगी। तो आप लोग आंदोलन धरना करेंगे? धरना नहीं करेंगे, अगर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो अभी तो आंदोलन में सिर्फ प्रदर्शन उदर्शन होंगे, लेकिन अगर सितंबर तक इसका फैसला नहीं हुआ तो देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। आजकल तो टीवी अखबार है वो तो कह देगा कि देखो ये 15 करोड़ लोग हैं देशद्रोही हैं, आपके खिलाफ 100 करोड़ लोगों को खड़ा कर देंगे जो नौकरी में नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं है, हमें मालूम है कि हम भी इस देश के बच्चे हैं, हमारे लोग जो आंदोलन पर जाएंगे वो भी इस देश के ही नागरिक हैं। आंदोलन का बड़ा खतरा है, वो गांव-गांव में शहर-शहर में ये बता देंगे कि देशद्रोही कौन है, राष्ट्रद्रोही कौन है और राष्ट्र प्रेम करने वाला कौन है। जो लोग 500 लोग अपनी जान देते हैं हर साल में वो लोग देशद्रोही हैं, या ये लोग जो एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे। बजट में रेलवे का कितना योगदान होता है? अब तो लोग कह रहा है कि पूंजीपति को वोटा करने का काम करते हैं वो लोग जो है वो देश प्रेमी हैं। देखिए, कोई स्वर्गीय श्री जेपी चौबे जी हैं, पूर्व महामंत्री हैं, और लालू प्रसाद यादव माननीय रेल मंत्री, ये मूर्ति लगी हुई है जो मेरे पीछे देख रहे हैं। पहले लालू यादव कह रहे थे कि रेलवे फायदा में है, ये सब फर्जी बात थी? नहीं, लालू जी ने बिल्कुल सही कहा
और जिस समय लालू जी रेल मंत्री बने थे उससे पहले नीतीश जी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से 17,000 करोड़ रुपए रेलवे पे इन्वेस्ट कराया था और उसकी वजह से पटरियां अच्छी हुई थी, हमारे इंजन और जो वैगन है वो अच्छे हुए थे, सिग्नलिंग की व्यवस्था अच्छी हुई थी, उस समय लीड भी अच्छी आई थी। तो लालू जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा था। अभी अभी चौबे जी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो हमारे इस ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के 35 वर्षों तक महामंत्री रहे। मिश्रा जी, अभी तो टिकट हम लोग पहले जाते थे पटना तो सेकेंड टीयर का शायद 1800 लगता था, अभी 2400-2500 लग रहा है थर्ड टीयर का, थ्री टायर राजधानी, तो ये टिकट बढ़ा है उसके बाद भी रेलवे घाटे में है? हम तो नहीं कह सकते हैं रेलवे घाटे में, अभी सरकार खुद कहती है, मंत्री जी कह रहे हैं, हम लोग भी जानते हैं कि जब कोविड में सारा कुछ देश बंद था तब हमने 26% ज़्यादा माल भाड़ा कमा करके दिया है, अभी 26% हाँ 26% ज़्यादा माल भाड़ा कमा करके दिया है, तो आमदनी बढ़ी है, नेट टन किलोमीटर बढ़ा है। और अगर सरकार कहती है कि हम घाटे में हैं तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमसे कोई आंकड़ों के साथ बात कर ले, मैं उसको बता दूंगा रेलवे घाटे में नहीं है। अभी भी लाइफ लाइन रेलवे है, मतलब चाहे कोयला की ढुलाई हो, तेल की ढुलाई हो या कच्चे माल की ढुलाई हो, निश्चित तौर पर रेलवे आज की तारीख में लाइफ लाइन है और आने वाले कल में और आने वाले परसों में भी ये लाइफ लाइन रहेगा। कब बैठक हो रही है आप लोग की इसके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने की? कल हम लोग प्यारेलाल भवन में 11 बजे से मिल रहे हैं और वहाँ पर सारे देश भर से लोग आ रहे हैं, प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं और वहीं पर हम लोग फैसला करेंगे कि हमें आने वाले समय में क्या हमारी कार्ययोजना। बातचीत हुई है सरकार से इस मामले को लेकर? बहुत बात हो रही है, पहले भी हम नेशनल काउंसिल ज्वाइंट नेशनल जो हमारी NJCM है उसका मैं स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ, जिसके चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, हमारा मुद्दा भी है। क्या लॉजिक है उन लोगों का, क्या लॉजिक है उनका? लॉजिक कुछ नहीं है, उनका कहना यही है कि हमने निर्णय ले लिया, बस जो हमने निर्णय ले लिया वो सही है। कोई तो लॉजिक देते होंगे ना, देश को फायदा हो रहा है इससे, उनका उनको ये कुछ नहीं कहना देश का फायदा है या नुकसान है, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका तो ये कहना है कि सरकार ने एक निर्णय ले लिया है, आप जो है उसको मानने के लिए बाध्य हैं। हम लोग उनको ये कह रहे हैं कि हम बाध्य नहीं हैं, सरकार अगर अच्छे निर्णय लेगी तो हम उसके साथ हैं। हमने 74 के बाद हड़ताल नहीं की इसलिए कि हम मांग उठाते थे, हमारी कोई न कोई बात मांग ली जाती थी, हम लोग सरकार के 74 से आप लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया है? हड़ताल नहीं किया, आंदोलन तो बहुत किए हैं, हड़ताल तो आंदोलन तो इतने किए हैं कि उनकी वजह से सरकार 10 दफ़े घुटनों के बल आई है और समझौते किए हैं उसमें। लेकिन इस बार अलग मसला है, राष्ट्रवाद वाला, राष्ट्रद्रोही वाला ठप्पा लगेगा। अच्छा है कि जो लोग लड़ने जा रहे हैं उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, फैसला समय करेगा, या तो सरकार झुकेगी या फिर ये फैसला कहाँ जाएगा इसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकता। देखिए दो तर्क है, आखिर इस देश के लोगों को ही जब भूखा रखकर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप क्या करेंगे? सवाल है कि जो कर्मचारी अधिकारी जिंदगी देते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, वो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? आप सोचिए अपने आप पर। इस देश में जो पेंशन प्लान है वो दरअसल एक तरह का सिक्योरिटी स्कीम होता है, जब आप बुज़ुर्ग हो जाएं, जब उम्र के उस पड़ाव में जब आप काम करने में सक्षम नहीं हैं तो आपकी देखभाल कैसे हो, ये पूरी दुनिया में है इस तरह के स्कीम्स। फिलहाल जो सरकार है वो कह रही है ये वाजपेयी के समय में न्यू पेंशन स्कीम आया था, सरकार का कहना है कि ये राजस्व जो है, जो सरकारी खजाना उस पर सबसे ज़्यादा जो भार है वो पेंशन का पड़ता है। आप लोग बताइए, क्या आप अपने देश के बुज़ुर्गों को, मान लीजिए हमारे माता पिता हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप उनको छोड़ देंगे? सोचिए जो लोग गाय माता की चिंता करते हैं कि जो गाय दूध नहीं दे रही है उनके लिए गौशाला बने, करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट है, वही लोग इस देश के उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने इस देश को बनाया है उनके लिए कह रहे हैं कि इनको हम अगर इस तरह के पेंशन्स देंगे तो वो खजाने पर लूट है। तो आप तय कीजिए, गाय बचाना है लेकिन आदमियों की चिंता नहीं है। मुझे तो डर है कि अगर इन लोगों ने आंदोलन किया तो देशद्रोही का ठप्पा लगेगा, लेकिन आप लोग बताइए कमेंट करके, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि इनको पेंशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जब गाय माता के लिए गौशाला बन सकती है, जब गाय माता की इतनी चिंता है, तो इंसानों के लिए कुछ तो होनी चाहिए। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।